हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल पे आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज मैं एलसीएम मेथड से टाइम इन वर्क क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें, हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो एलसीएम मेथड से देखते हैं टाइम इन वर्क को कैसे बनाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम एलसीएम मेथड का सिर्फ यूज करते हैं और फटाफट से बना लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम यदि हम 18 और 27 का निकालते हैं तो एलसीएम कितना हो जाएगा 18 और 27 का, 54, 54 हो जाएगा। तो ये जो एलसीएम आता है, टोटल काम कितना करना होता है वही होता है। तो अब इसको देखिए, ए बी एलसीएम कितना है, 54 है, ठीक है। तो एक कितना दिन में करता है, 18 दिन में। तो एक दिन का काम यदि हम निकालना चाहे तो 18 × 54 और 27 का एक दिन का काम 27 × 54, और ए और बी मिलकर दोनों 3 × 2 = 5, एक दिन में 5 काम करते हैं। टोटल 54 काम करना है, तो 54 काम में से 5 को डिवाइड कर देंगे तो दिनों की संख्या निकल जाता है। तो ये कितना निकलेगा, पूर्णांक में बदल दीजिए, 10 × 5 = 4/5, इतना दिन में काम कर लेगा जितना एलसीएम आएगा टोटल काम। और 18 × 54 उससे भाग देते हैं तो एक का एक दिन का काम, और 27 × 54 ये भी एक दिन का काम, यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर 5 काम एक दिन में करता है। तो 54 काम कितना दिन में करेगा, डिवाइड करेंगे तो इतना दिन आ जाएगा, 10 × 4/5 दिन। नेक्स्ट देखते हैं, ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 18 दिन, 24 दिन, 36 दिन में अलग अलग समाप्त करते हैं। 18, 24, 36 का एलसीएम कितना होगा, 72, ठीक है। 18, 54 और 36, तो यहाँ से निकालते हैं 18, 54 ए का एक दिन का काम 4, 24, 72 बी का एक दिन का काम 3 और सी का एक दिन का काम 2। तीनों मिलकर काम करना है तो 4 × 3 = 7, 9, 9, 9 काम एक दिन में करते हैं। टोटल काम करना कितना है उसको, 72 करना है। तो यहाँ से डिवाइड करते हैं तो कितना करेगा, और सॉरी 4 × 3 = 2, हाँ ठीक, तो है 8 दिन, 8 दिन में पूरे काम को कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ए और बी किसी काम को साथ मिलकर 18 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए और बी अकेले काम को 30 दिनों में करता है, तो इसको भी हम उसी मेथड से बना सकते हैं। ए प्लस बी और ए, एलसीएम कितना है 18 और 30 का 90। तो ए प्लस बी एक दिन का काम 18 × 5 = 90, और ए अकेले एक दिन में 3 काम करता है। अब इस तरह का है तो इसको हम बटा में लिखकर घटाने का नियम लगाते हैं, तो यहाँ भी वही करेंगे। 90 में से 5 और 3 को घटाकर 2 आएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, ये 45 दिन में काम बी अकेले कर लेगा। बी किसी काम को अकेले कितना दिन में करता है, तो वो 45 दिन में। नेक्स्ट देखते हैं, ए और बी किसी काम को 24 दिन में, बी तथा सी 40 दिन में, ए और सी 30 दिन में। अब थोड़ा शॉर्टकट में फटाफट चलते हैं, ठीक है, नियम तो बता चुके हैं ना। तो ए प्लस बी 24, 40 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120। और देखिए, ए बी बी सी और ए सी सब डबल है, तो इसको 2 से गुना कर दीजिए। अब सभी से सेपरेट डिवाइड करके एक एक दिन का काम निकालते जाइए और जोड़ते जाइए। 24 × 25 = 80, 30 × 24 = 80 और 40 × 3 = 85, तो 5 × 9 = 9, 3 = 12, ये टोटल नीचे 12 है ना जोड़ के, तो 12 दहें के इतना, और ये 10 × 20, यानी तीनों मिलकर यदि काम करेगा तो 20 दिन में। यहाँ पे देखना है सब डबल डबल, इसलिए एलसीएम निकाल के ऊपर 2 से गुना कीजिए, सबका एक एक दिन का काम निकाल के जोड़ के डिवाइड कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए किसी काम का 2/5 / 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि 2/3 / 30 दिन में समाप्त कर सकता है। तो मिलकर पूरा काम कितने दिन में समाप्त करेगा, तो सबसे पहला काम है ए का, एक भाग काम करने में कितना दिन लगता है, 2/5 में इतना लगता है, तो ये 12 × 25 = 60, 30 दिन लगेगा। और यहाँ से निकालते हैं तो 30 × 90, ये भी 45 दिन में कर रहा है। 30 × 45 का एलसीएम कितना, 90। अब सबका एक एक दिन का काम, 30 × 90 और 45 × 90, तो 90/5 यहाँ से काट दीजिए, 18, दोनों मिलकर काम को 18 दिनों में पूरा कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
ए और बी किसी काम को 12 दिन में, बी और सी 20 दिन में तथा ए और सी 15 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो बी अकेले काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में था, ये दो दो है, तो यहाँ देखना है बी, बी अकेले काम को कितना दिन में करता है। तो जिसमें बी नहीं उसके मान को आप घटाइएगा, इसमें बी है, यहाँ भी बी है, एसी में भी नहीं है। तो सबसे पहले 12, 20 और 15 का एलसीएम कितना, 60, सब दो दो है तो दो से गुना। अब देखिए एसी में बी नहीं है तो 15 चौ 60, ए और सी का एक दिन का काम, बाकी को अब इधर लिख के लिए जोड़कर 12 5 60 और बीतिया 60, 60 गुने 2 और 5 3 8 और घट के 4, यहाँ से 15 चौ 60, 30 दिन में काम को 30 दिन में पूरा कर लेते हैं। बी अकेले काम को कितना दिन में पूरा करता है, तो 30 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, अब देखते हैं सातवां क्वेश्चन। ए और बी किसी काम को क्रमशः 18 दिन 24 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकता है, दोनों मिलकर काम आरंभ करे और 6 दिन बाद ये काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ए बी या इधर एलसीएम कितना होगा 18 24 का, 72। तो एक का एक दिन का काम 18 चौ 72, अब बी का एक दिन का काम 24 72। अब देखना है कि 6 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, यानी एक दिन में 4 काम किया तो 6 दिन में 24 काम, तो ये 24 काम तो घट जाएगा क्योंकि 24 काम ये करके छोड़ दिया है और बचा हुआ काम को बी कर देगा। तो 72 में 24 गया कितना, 48 और भागा 3 तो ये 16, तो टोटल काम कितना दिनों में हो जाएगा, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, तो 16 दिन में काम समाप्त हो जाएगा क्योंकि बी शुरू से अंत तक किया और 16 दिन में किया, तो 16 दिन ही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 15 20 30 अलग अलग समाप्त कर सकते हैं इतना दिनों में, तीनों मिलकर काम करें और 5 दिन बाद ये काम छोड़ दे, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाता है। तो 15 20 30 का एलसीएम 60 हो जाएगा। ए बी और सी, ए का एक दिन का काम कितना होगा 15 चौ 60, बी का बीतिया 60 और सी का 30 90, ठीक, ओ सॉरी 3 दुनी 60, इतना होगा। अब देखिए लिखा हुआ है कि 5 दिन बाद काम छोड़ दे रहा है ये, तो 5 दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 4 काम कर रहा है तो 20 काम को घटाना पड़ेगा, 40 काम अब शेष रह गया, इसको मिलकर बी और सी करेगा, तो बी एक दिन में 3 और सी 2, तो टोटल एक दिन में 5, तो टोटल 40 काम करना है, तो ये कितना दिन में करेगा, 8 दिन में, ठीक है, हाँ 8 दिन में पूरा हो जाए, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, तो 8 दिनों में। ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 18 दिन 30 दिन 45 दिन अलग अलग समाप्त कर सकता है, तीनों मिलकर काम आरंभ करें और 4 दिन बाद ये काम छोड़ दे, उसके 4 दिन बाद बी काम छोड़ दिया हो, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो देखिए ये 4 दिनों तक काम किया, बी 4 दिन और बाद छोड़ता नहीं, 8 दिनों तक काम किया, तो ये 4 दिन का ए का काम और 8 दिन के बी के काम को घटाना होगा और जो काम शेष बच गया उसको तो सी करेगा, तो सी अकेले उतना करेगा और शुरू से अंत तक कर रहा है तो वही दिन होगा। तो सबसे पहले एलसीएम 18 30 45 का कितना हो जाएगा, 90। तो अब देखना है ए का एक दिन का काम कितना, 18 5 90, और बी का 30 90 और सी का 45 2 90। अब देखना है ये 4 दिन काम करके छोड़ा, यानी 20 काम करके छोड़ दिया, 20 घटा देंगे, उसी तरह से 8 से 24 काम भी किया है क्योंकि 8 दिन किया और एक दिन में 3, तो 24 काम इतना घटाते हैं, और सी इस काम को बचे हुए काम को जितना बचा उसको कितना दिन में, एक दिन में 2 काम कर रहा है तो बचा हुआ काम जितना भी रहे घटा दीजिए, 20 और 24 44, 90 में घटेगा 46/2, यानी कि 23 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। देख रहा ना एलसीएम मेथड कितना इजी पड़ रहा है, बस इसको यदि आप समझ गए बढ़िया से तो ये सब क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 दिन 20 दिन में समाप्त कर सकता है, दोनों मिलकर काम करे और समाप्ति से एक दिन पहले बी काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ भी हमको देखना है ए बी, यहाँ 15 और 20 का एलसीएम 60, ये पूरा काम हो गया, तो ए का एक दिन का काम 15 चौ 60 और बी का एक दिन का काम
तीन और ये एक काम चार, एक दिन में चार काम करता है, बी एक दिन में तीन काम करता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, एक दिन पहले भी छोड़ देता है यानी एक दिन का काम तो ऐड हो जाएगा, 63 काम करना होगा। और ये जब पहले रहे तो दोनों को जोड़ के डिवाइड करते हैं, बाद वाला में दोनों नहीं लिया जाता है। तो ये 63/7 काटेंगे तो कितना बार में, 9। तो काम जो है पूरा 9 दिनों में समाप्त हो जाएगा। एक और देखते हैं जिसमें बाद और पहले वाला दोनों मर्ज हो। करे और बी सी किसी काम को क्रमश 18 दिन, 30 दिन, 45 दिन से अलग अलग समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर काम आरंभ करे और 4 दिन बाद ये काम छोड़ देता है। बी काम समाप्ति से 6 दिन पहले काम छोड़ दे तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ आप देखिए 18, 30, 45 का एलसीएम कितना, 90। ए बी और सी, ए का एक दिन का काम 5, बी का एक दिन का काम 3 और सी का एक दिन का काम 2। अब देखना है कि 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता है तो एक दिन में 5 काम, तो 4 दिन में 20 काम करके छोड़ देता है तो 20 घटा देंगे। लेकिन 6 दिन पहले बी काम छोड़ देता है तो 6 दिन का काम तो बी के रह जाता है, तो पहले जब छोड़े तो उस काम को जोड़ना होता है। तो 6 से 18 काम हमको यहाँ जोड़ना पड़ेगा, ये घटाते हैं तो कितना आएगा, 88। और इस 88 को अब हम बी और सी दोनों वाले एक दिन के काम वाले को जोड़ के यहाँ लिख देंगे, ठीक है। पहले वाला को लेकर लिखते हैं, जो छोड़ दिया उसका नहीं लिखते हैं। तो 3 × 2 = 5, ये 88 काम मिलकर दोनों किया ना, तो ये हो जाएगा कितना, 16×5 = 85 और 3 × 88 इतना दिन में, 17.3/5 दिन में ये काम को पूरा कर लेगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और इसी प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियो पाते रहें। धन्यवाद।